उसवाल कच्ची घनी सरसों तेल जो बना है राजस्थान की सौंधी मिट्टी में उपजी शुद्ध सरसों से, स्वाद और सेहत की जोड़ी कमाल। उसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है, जहां 16 साल की नाबालिग लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर भगा ले गया। आपको बता दें, ये पूरा मामला उन्नाव थाना बांगरमऊ का है, जहां नंदनी यादव की बेटी को अनीस नाम के लड़के ने फोन द्वारा बुलाकर उसे अपने साथ भगा ले गया। वहीं पीड़ित मां का आरोप है कि मेरी बेटी कई दिनों से काफी परेशान थी। वहीं पीड़ित परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, पर पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। वहीं माँ बाप और भाई का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस घटना के 24 घंटे के बीच जाने के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। परिजनों ने एसपी से मुलाकात कर पूरी घटना बताई, जिसके बाद एसपी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और संबंधित थाने को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में लव जिहाद के मामले आने के बाद एक बार फिर हड़कंप मच गया है। कानपुर के बाद उन्नाव के इस मामले के प्रकाश में आने के बाद हिंदू जागरण प्रभारी विमल द्विवेदी ने जमकर हमला बोला। इस तरह के मामले प्रकाश में आ रहे हैं और पुलिस शुरुआती जांच में तेजी लाए तो घटना में रोक लग सकती है। वहीं पीड़ित महिला को फोन से धमकी मिल रही है, उसको जान से मार देंगे। वहीं पीड़ित के परिजन डरे और सहमे हुए हैं। घटना के 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जब पीड़ित परिजनों ने एसपी ऑफिस आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, तब मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। और अपहरण कर ले जाकर माँ बाप को प्रताड़ित करना, और हम सबके समक्ष अभी तत्काल आपने देखा है कि एक अनीस नाम के फोन उसके व्यक्ति उसके साथी का फोन आता है और वो माँ बाप को धमकाता है। इस पर पुलिस पूरे 12 घंटे से लगातार सो रही है और बांगरमऊ पुलिस द्वारा ना कार्रवाई करने पर 60 किलोमीटर दूर माँ बाप आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ये उच्च अधिकारियों की भी छवि खराब कर रहे हैं और योगी सरकार की भी छवि खराब कर रहे हैं। जहां की योगी सरकार एक निष्पक्ष कानून देने की, सबको न्याय दिलाने की बात करते हैं, ऐसे में मैं योगी जी से और यहां पुलिस अधीक्षक महोदय से ऐसे थाना अध्यक्षों को भी दंडित करना चाहिए जो जनता की नहीं सुनते हैं और जनता पर कार्रवाई, जो अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। एक माँ रात में बिलख रही है, उसकी बेटी गायब है और पुलिस सो रही है, ये बहुत ही दुखद बात है। मैं इसके लिए कड़ी निंदा करता हूँ और पुलिस से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, माननीय योगी जी से ये मांग करता हूँ कि लगा जल्द से जल्द इनकी बेटी इन तक पहुँचाई जाए। और जो मुस्लिम समुदाय के तो क्या मामला है, आज एसपी कार्यालय आप पहुंची हैं? हमारी लड़की को अपहरण किया है सुबह 4 बजे से। कौन लोग हैं जो उसने किया है? मुस्लिम। किस तरह मालूम पड़ा आपको कि वही लोग हैं? हमको वहीं पे मोबाइल मिला उसी के लड़के का, उसी दिन मालूम हुआ हमका कि इसी लड़के ने लेगा। तब हम यहाँ पहुँचे एसपी, पहले वहाँ बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं, उन्होंने हड़की दी हमको। क्या कहा थाने स्तर पे? कहा अभी आ रही लड़की शाम तक के, फिर कहा 2-4 दिन में आएगी लड़की, अभी नहीं मिलेगी, घूम फिर के आएगी 2-4 दिन में लेके आएंगे। अच्छा, और किस आपका फोन भी कोई आया था? वही फोन मिला लड़के का। क्या बोला उसने? अभी अभी बोला, कह रहा है वो उससे बात करा, सीएम ठीक है और नहीं जो तो उसको नहीं बात कराओगे तो हम, धमकी दे रहा कि वहाँ आइए मारेंगे तो उसको, ऐसे ऐसे हड़का रहा। किसको हड़का रहा? हमारे लड़के को मारेगा, हमको भी मारेगा।